श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि शाही ईदगाह पर सुनवाई होनी है। जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। सर्वे और दावे पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई होनी है, जिसमें जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी, जहां सर्वे और दावे पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। कोर्ट के फैसले से तय हो जाएगा कि पहले विवादित स्थल के सर्वे पर सुनवाई होगी या दावे पर। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिस पर कब्जा करके मस्जिद बना दी गई। कोर्ट ने इसी याचिका पर जगह का सर्वे करने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सर्वे के आदेश को होल्ड पर रखा गया है। बता दें कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। दरअसल कृष्ण जन्मभूमि के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है, और इस जमीन पर भी दावा किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को देने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया था। और भारत में भी अब ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई देने लगा है। औली में आज से शुरू होने वाले नेशनल स्कीइंग को टाल दिया गया है। दरअसल औली जैसे पहाड़ी जगहों पर इस समय चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आती थी। पर्यटकों से पूरा इलाका गुलजार रहता था, लेकिन अब ये सब ऐसा लगता है कि बीते समय की बात हो गई। लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग के कारण औली में ना बर्फ है और ना ही पर्यटक, जिसकी वजह से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खासे मायूस हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अब बद्रीनाथ यात्रा का इंतजार है, ताकि पर्यटन व्यवसाय जो बर्फ की कमी के कारण रुक सा गया है, एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सके। वहीं बर्फ ना पड़ने की वजह से नेशनल स्कीइंग की प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया। नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता 23 फरवरी से 25 फरवरी तक होनी थी। यदि बर्फ होती तो नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली में होता, फिर आजकल यहाँ स्कीयर्स का तांता लगा रहता। लेकिन ना तो बर्फ है और ना ही प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए स्कीयर्स, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में मायूसी है और साथ ही इस बात की चिंता भी है कि आगे हिमालय के इन पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई देगी या नहीं। हालांकि स्थानीय लोगों की शिकायत ये भी है कि अगर समय रहते ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या पर ध्यान दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती।